रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 के लिए मित्रों करंट अफेयर्स की इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आप सभी का अभिनंदन है। जी हां मित्रों, स्पेशल ग्रुप डी और विभिन्न एग्जाम्स के लिए यह सीरीज उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि ग्रुप डी के लिए। तो टुडे की सीरीज हमारी प्रथम है, जिसमें हमारा प्रथम प्रश्न है आपका, निम्न में से किस देश ने डेविस कप 2021 जीता। सबसे पहले क्या करना है कि वीडियो को बीच में पॉज करेंगे और स्वयं से आप सही आंसर लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस। 2021 का जो डेविस कप का खिताब जीता गया था वो रूस के द्वारा जीता गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, 1 फरवरी 2022 को भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला। सबसे पहले ऑप्शन को रीड करना है, प्रश्न को रीड करना है, ठीक है। तो यहां से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे के द्वारा कार्यभार संभाला गया था 1 फरवरी 2022 को नए उप प्रमुख के रूप में, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, किस राज्य ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 का शुभारंभ किया था। तो यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा सरकार के द्वारा खेल नर्सरी योजना 2022-23 का शुभारंभ किया गया था बालक बालिकाओं में खेलों को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में निम्न में से कौन सा देश शीर्ष स्थान पर था या शीर्ष पर था। तो यहाँ से इसका राइट आंसर होगा, तो यहाँ से इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फिनलैंड, ठीक है। एक एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था। एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 382 प्रति व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, 3 अगस्त 2021 को बील मार्टस ओपन में भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे। प्रश्न को ध्यान से रीड करना है और ऑप्शन को भी रीड करना है, सही आंसर आपको लगाना है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्षित राजा। अगला प्रश्न आपके लिए, 2021 में महिला दिवस के अवसर पर नीता अंबानी ने महिलाओं के लिए नामक एक सोशल मीडिया और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी, उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या था, ठीक है। तो यहाँ से एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसलिए कंप्लीट वीडियो को देखें, कंप्लीट प्रश्नों को आप स्वयं से लगाएं। यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हर सर्किल का आरंभ किया गया था महिला दिवस के अवसर पर, ठीक है, नीता अंबानी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 के एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। तो यहाँ से इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, चीन करेगा 2022 एशियाई खेलों में होने वाली उनकी मेजबानी करेगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, 91वें ऑस्कर अवार्ड्स में निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया, 91वें ऑस्कर अवार्ड का, ठीक है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर है ग्रीन बुक। अगला प्रश्न आपका, वर्ल्ड बैंक की इज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के अनुसार भारत की रैंक क्या थी। तो यहाँ से इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 63वीं। तो आशा करते हैं टुडे की प्रश्नों की श्रृंखला आपको पसंद आई होगी। तो प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आए तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को नमस्कार है मित्रों, धन्यवाद।